हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। आज काफ़ी दिनों के बाद एंशंट हिस्ट्री पे आज हमारा लेक्चर आया है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम वैदिक साहित्य के बारे में डिस्कस करेंगे। पूरा पूरे वैदिक एज से जो भी वैदिक साहित्य जो भी लिखा गया, वैदिक काल में कौन कौन से वैदिक सभ्यताएँ का विकास हुआ, कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए, कौन कौन सी सभ्यता में क्या क्या लिखा गया, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। यदि बेल आइकन नहीं दबाई तो बेल आइकन दबा प्रेस कर लें, जिससे आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि देख लेते हैं कि हमको वैदिक सभ्यता में आखिर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कौन कौन से क्या क्या चीज है, किस किस सभ्यता का किस किस साहित्य के बारे में पढ़ना। चलिए उसको एक बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद एक एक करके सारा सारा डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा वीडियो हमारे क्या है काफी लंबे हो जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप देखते होंगे इस तरह के वीडियो अभी फिलहाल हाल ही में क्वेश्चन तो ऐसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि वन डे एग्जामों में। लेकिन जिस तरह से एग्जामों का पैटर्न बदल रहा है धीरे धीरे, तो ऐसा वो दिन दूर नहीं कि 2-3 सालों के बाद वो जरूर ऐसा पैटर्न पे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो अभी से आप एडवांस लेवल पे पढ़ के चलोगे तो एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन छूटने नहीं पाएगा। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। बात करते हैं वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो एक एक करके डिटेल से स्टडी करते हैं। तो वैदिक साहित्य को मुख्यतः 7 पार्टों में बांटा गया। अब इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आएंगे, तो पहला टॉपिक आता है उसको कहते हैं वेद। क्या कहते हैं? वेद। ठीक है, वेदों के बारे में जानेंगे कौन कौन से वेद हैं, कितने प्रकार के हैं। दूसरी बात आती है ब्राह्मण ग्रंथों की, और फिर तीसरी बात आती है अरण्यक की, चौथी बात आती है उपनिषद, फिर इसके बाद आते हैं क्या वेदांग, जिसको क्या कहते हैं वेदांग कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आते हैं आश्रम व्यवस्था कैसी थी, और इसके बाद आते हैं कि आखिर मानव के संस्कार कैसे थे। आपने सुना होगा 16 संस्कारों के बारे में, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हम मानव के ऋण के बारे में डिस्कस करेंगे, कितने प्रकार के ऋण होते हैं मानवीय ऋण को, तो एक एक करके डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स तो डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स बात करें, हमने जो वैदिक काल में वैदिक 3-4 प्रकार के वेदों की बात की थी, ऋग्वेदिक का ऋग्वेद, अथर्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक है, इन चारों वेदों के बारे में डिस्कस किया था। उस वेद के जो भी मंडल थे, ऋग्वेद के जो हमारा प्राचीन ग्रंथ था ऋग्वेद, तो उसके मंडल कौन कौन से थे उनके बारे में चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान से आप देखिएगा, प्रथम मंडल में देखते हैं कौन कौन से। तो प्रथम मंडल में, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि ऋग्वेद में मुख्यतः 10 मंडल हैं, लेकिन उस मंडलों में से जो 2 से लेकर 7 मंडल हैं वो क्या हैं, प्राचीन मंडल हैं। लेकिन जो एक बाकी की जो मंडल है, जैसे पहला मंडल हो गया, इसके अलावा 8वां मंडल हो गया, 9वां मंडल हो गया और 10वां मंडल, ये क्या बाद में जोड़े गए है ना, मैंने आपको पहले डिस्कस कर रखा है, तो आपको आई होप आपको पता ही होगा ना। तो प्रथम मंडल जो तो बाद में जोड़ा था गया था, इसके रचयिता कवि के नाम देखें तो कौन से कौन से थे, अंगीरा थे, देवतास्तम थे और मृच्छकंदा था। फिलहाल इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा। दूसरे मंडल की अगर बात करें रचयिता ऋषि के, तो भार्गव ऋषि का नाम याद रखिएगा, ये तीसरा इंपॉर्टेंट है। तीसरे मंडल में हम देखते हैं विश्वामित्र का मिलता है, और विश्वामित्र ने किसकी रचना की थी फ्रेंड्स, गायत्री मंत्र की रचना की थी। ओम भूर भवस्व त्रस्वितुर्वितुर्ण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें विश्वामित्र ने रचना की थी, इसमें उन्होंने क्या किया था, प्रमुख देवता सवित्र, जिसका मतलब सूर्य होता है, सूर्य की जब उपासना की थी। तो हमने तृतीय मंडल को, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद चौथा मंडल वामदेव थे, इसके ऋषि। पांचवें मंडल के ऐत्री थे, षष्ठम मंडल में भारद्वाज थे, ठीक है, और सातवें मंडल में वशिष्ठ थे। तो इसको ये वशिष्ठ जी वाला भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वशिष्ठ और विश्वामित्र दो ही पुरोहितों की चर्चा आपको मिलती है। हमने जो जितना भी वैदिक एज पढ़ा उसमें हमने देखा कि विश्वामित्र और वशिष्ठ दो ही ऋषियों की ज्यादा चर्चा मिलती है, इसलिए उनका सप्तवा मंडल वशिष्ठ ऋषि का और तीसरा मंडल विश्वामित्र का, ऐसे याद रखिएगा। इसके बाद कर्ण ऋषि का हो गया 8वां मंडल, और 9वां मंडल किसका हो गया, अंगिरा ऋषि का हो गया। 10वां मंडल की बात करें तो महासुक्ति ऋषि का है, 10वें मंडल के बारे में तो इनको याद रखिएगा। 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की, नदी सूक्त की चर्चा मिलती है, तो इसको इम्पोर्टेंट हो गया। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही मंडल याद रखने हैं ऋग्वेद के, बस इतना रखना है कि 2 से 7 मंडल क्या है, प्राचीन मंडल है, और बाकी के जो मंडल बचे, जैसे कि पहला मंडल, 7, 8वां मंडल, 9वां और 10वां, ये क्या है, ये सब नए मंडल जोड़े गए जो बाद में उत्तर वैदिक काल में जोड़े गए। ठीक है, इनको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि वेदों के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे वैसे भी हमने वेद और उनके उपनिषदों से रिलेटेड फटाफट जीके में पहले ही डिस्कस कर लिया, फिलहाल अभी एक बार फिर देख लेते हैं, क्योंकि ये भी वैदिक साहित्य के अंतर आते हैं। तो वेद हमने देखे थे कितने प्रकार के वेद होते हैं, तो हमने देखा कि 4 प्रकार के वेद थे, तो उनके उपवेद कौन से थे, जैसे हो गया पहला ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का जो आयुर्वेद होता है उसका उपवेद हमने ट्रिक की थी हमारी, आपको आधागढ़ शिल्पी, उसी से हमने आपको बताया था आधागढ़ शिल्पी से, तो आप उससे वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप विजिट कर लीजिएगा। तो ऋग्वेद का क्या उपवेद कौन सा हो गया, आयुर्वेद। इसके बाद जो दूसरा वेद आता है उसका नाम है यजुर्वेद। यजुर्वेद का जो उपवेद है उसको धनुर्वेद
इसके बाद तीसरा सामवेद, सामवेद का गंधर्व वेद, और चौथा है अथर्ववेद का शिल्प वेद। तो फ्रेंड्स इससे जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कैसे बनते हैं, तो हम जो अगला सेशन आएगा उस पर हम पूरा वैदिक एज पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। फिलहाल एक बता दें इसमें मैचिंग करने के क्वेश्चन आते हैं, जो स्टेट लेवल के पीसीएस एग्जाम होते हैं उस पर मैचिंग का क्वेश्चन आता है, कौन सा वेदों का कौन सा उपवेद है, तो उनको आप याद रखिएगा। इनको याद रखिए, ऋग्वेद का दुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, और सामवेद का गंधर्ववेद, और अथर्ववेद का शिल्प वेद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अगला बारी किसकी आती है, बात करें फ्रेंड्स तो प्रमुख दर्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि इस दर्शन से बहुत ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो हिंदू साहित्य है उस मतलब जो हिंदू धर्म दर्शन है उसके अनुसार छह प्रकार के दर्शनों का उल्लेख किया गया है। ये दर्शन कौन कौन से हैं, उनके कौन कौन से प्रतिपादक हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो प्रमुख दर्शन है, पहला दर्शन आता है न्याय दर्शन। न्याय दर्शन के जो ऋषि उनको गौतम ऋषि है, ठीक है, इनके प्रतिपादक जो है गौतम ऋषि है। दूसरा दर्शन आता है फ्रेंड्स, उसका नाम है योग दर्शन, और योग दर्शन के जो कवि ऋषि है उनको क्या नाम है, पतंजलि। इनको शायद आप जानते भी होंगे, योग दर्शन पतंजलि ऋषि, याद रखना न्याय दर्शन गौतम ऋषि। इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं उनका नाम है सांख्य दर्शन। इसको मैं मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सबसे प्राचीन दर्शन है भारतीय साहित्य का। कपिल मुनि इसके क्या है, प्रतिपादक हैं। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है, सांख्य दर्शन, इसको याद रखिएगा। उसके प्रतिपादक कवि कौन से हैं, ऋषि कपिल मुनि। ठीक है, अगले देखते हैं, अगला दर्शन है वैश्विक दर्शन। वैश्विक दर्शन के जो दो ऋषि हैं उनका नाम मिलता है इसमें, एक ऋषि उलूक और दूसरा मिलता है ऋषि कड़ाद। ठीक है, इनका भी नाम याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं पूर्व मीमांसा और एक होता है उत्तर मीमांसा, दो आते हैं। तो पूर्व मीमांसा के जो ऋषि हैं उनका नाम है जैमिनी, और जो उत्तर मीमांसा के ऋषि हैं उनका नाम है बादरायण। तो ये फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते जाते हैं, इस पर भी मैचिंग वाले क्वेश्चन बनते हैं। और वैसे भी एक एक नया दर्शन से भी क्वेश्चन बन जाते हैं कि नया दर्शन के ऋषि कौन से हैं, तो गौतम ऋषि हो गए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी इनसे बनते हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब बात करते हैं ब्राह्मण ग्रंथों की। तो ब्राह्मण ग्रंथ जो हैं ये भी, क्योंकि जिस प्रकार से लिखा गया है कि ब्राह्मण ग्रंथ आखिर होते क्या है पहले ये जानना जरूरी है। तो ब्राह्मण ग्रंथ किनको कहा गया, जो वेद हमने देखा, क्योंकि जो भी वेद हम सबसे प्राचीन थे तो वेदों से ही जो निकल के आया, तो वेदों की जो कर्मकांडी व्याख्या की गई उनको ब्राह्मण ग्रंथ का नाम दिया गया। ऐसे ही जब उनकी लिखित व्याख्या की जाएगी तो उसको आरण्यक का नाम देंगे, क्योंकि आरण्यक मतलब वन में लिखे गए, तो उनको आरण्यक नाम दे दिया गया। ऐसी कर्मकांडी व्याख्या की गई तो उसको क्या कहेंगे, ब्राह्मण ग्रंथ नाम दिया गया। और इनको क्या किया गया, वेदों की टीका भी कहा गया। वेदों की अगर टीका भी कहीं है तो वो क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ ही है। तो सभी वेदों के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो बात करते हैं कि कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऋग्वेद के देखते हैं पहले ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन से हैं। तो ऋग्वेद के जो हमारे हैं वो ऐतरेय और कौशिकी, दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। कौन कौन से, ऋग्वेद के ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकी, तीन ब्राह्मण। इसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, तैतरी ब्राह्मण और सतपथ ब्राह्मण। ये इंपॉर्टेंट है, सतपथ ब्राह्मण किसका है, यजुर्वेद का, क्योंकि ये सबसे प्राचीन है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद है सामदेव, सामवेद में तांडव से रिलेटेड तांडव ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण, दो इसके ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अथर्ववेद जो तो बाद में था इसका गोपद ब्राह्मण, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स एक एक ब्राह्मण ग्रंथ में अगर बात करें कि ऋग्वेद के जो ऐतरेय ब्राह्मण है तो उसमें क्या है, तो राजत्व की सुस्पष्ट व्याख्या की गई। जो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें सुस्पष्ट राजत्व क्या होता है कि मतलब राजा कैसा होना चाहिए, कैसा उसका क्रियाकलाप होना चाहिए, कैसे, तो उसकी जो सुस्पष्ट व्याख्या की गई है तो वो ऐतरेय ब्राह्मण में की गई है। और जो हमारा तैतीय ब्राह्मण है उसमें भी ऐसी रचना की गई, ठीक है। इसके बाद जो सतपथ ब्राह्मण की बात करें तो ये क्या है कि बृहद ग्रंथ है। जिस प्रकार हम देखते हैं कि अगर ऋग्वेद के बाद कोई भी ब्राह्मण ग्रंथ है तो मतलब कोई भी बड़ा अगर साहित्य मिलता है ऋग्वेद के बाद वैदिक काल में तो वो सतपथ ब्राह्मण ही है, ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसमें क्यों इंपॉर्टेंट है, इसमें क्योंकि इसमें क्या है कि ये यजुर्वेद में दो प्रकार के उनके उल्लेख मिलता है, एक होता है शुक्ल यजुर्वेद और एक होता है किसको, कृष्ण यजुर्वेद। तो दो प्रकार के जो यजुर्वेदों की चर्चा मिलती है, जो शुक्ल यजुर्वेद है उसका शुक्ल यजुर्वेद में कौन से सतपथ ब्राह्मण आता है, और जो कृष्ण यजुर्वेद है उसमें तैतरी ब्राह्मण आता है। फिलहाल उतना जरूर नहीं, इसको याद रखिएगा। इसके बाद जो सामवेद है उसमें आते हैं दो ब्राह्मण ग्रंथ उसके हैं, तो जैमिनी ब्राह्मण हो गया, तांडव ब्राह्मण। तांडव ब्राह्मण में क्या हुआ कि वर्ण से गिरे हुए एक व्यक्ति के पुनः वर्ण में शामिल होने के मिलते हैं। वर्ण मतलब हमने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात की, तांडव तो तांडव ब्राह्मण जो ग्रंथ है उसमें क्या था कि वर्ण व्यवस्था, जैसे किसी व्यक्ति मान लीजिए कि ये का नाम का व्यक्ति है, ठीक है, इस का नाम के व्यक्ति को क्या किया गया कि वो किसी वर्ण से बिलोंग करता था, मान लीजिए क्षत्रिय, तो उसको उस वर्ण से क्या किया गया, निकाल दिया गया। तो उसको वापस वर्ण में कैसे लाया जाएगा, उसकी प्रक्रिया किसमें वर्णन किया गया, किसमें, सामवेद के तांडव ब्राह्मण ग्रंथ में, ठीक है। ऐसे गोपद ब्राह्मण हो गया। इसमें क्या है कि इसमें बताया गया कि ओंकार, जिसको हमको ओम शब्द सुना होगा आपने, ओम नाम की जो जाप किया जाता है, तो उसकी पहली बार चर्चा मिलती है। और साथ में इसमें त्रिदेव की चर्चा भी मिलती है, त्रिदेव जो ब्रह्मा विष्णु महेश की हमने देखा अभी तक चर्चा नहीं मिलती, उनकी चर्चा भी मिलती है इसमें। तो ये हो गया हमारा ब्राह्मण ग्रंथ। तो याद रखिएगा सब ब्राह्मण, तो चारों जिस प्रकार हमारे वेद हैं उनके वेदों के बीच का हम ब्राह्मण ग्रंथ, ऐसे ब्राह्मण ग्रंथों क्या मिलेंगे, अरण्यक मिलेंगे। चलिए अरण्यक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से अरण्यक हैं।
अरण्यक पहले थे क्या उनके बारे में देख लेते हैं। तो अरण्यक नहीं, पहले वेदांत, चलो कोई बात नहीं, चलिए तो उपनिषद के बारे में बात कर लेते हैं। उपनिषद कौन कौन से थे हमारे, तो जो उपनिषद कौन से उनके बारे में डिस्कस करते हैं। उपनिषद क्या थे, ये हमारे वेदों की ज्ञान मार्ग की व्याख्या करते हैं। तो वेदों की ज्ञान मार्ग की व्याख्या करते हैं, तो हमने देखा कि कर्मकांडी व्याख्या कर रहे थे वो क्या थे, वो ब्राह्मण ग्रंथ थे, लेकिन उनकी क्या थी ज्ञान मार्ग की व्याख्या कर रहे थे, तो वो उपनिषद हो गए। उपनिषदों को वेदों का अंत कहा गया, वेदांत के नाम दिया गया, क्योंकि इसके बाद ये इसमें संपूर्ण ज्ञान वेदों का एक तरह से कहें तो पूरी पूरा इसमें ज्ञान निर्भर था, ठीक है। और लगभग 108 उपनिषदों की चर्चा मिलती है, लेकिन उसमें जो इंपॉर्टेंट है वो मात्र 13 उपनिषद ही इंपॉर्टेंट है, इतने सारे सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलिए उनको देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला ऋग्वेद के देखें तो ऋग्वेद में किस प्रकार से उपनिषद थे, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ थे वैसे उपनिषद थे। इतरे और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ थे हमारे, तो इतरे उपनिषद हो गया, कौशिकी उपनिषद हो गया। इसके बाद यजुर्वेद में थे कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद थे दो, तो उसमें थे तैति ब्राह्मण और सप्तत ब्राह्मण। तैति ब्राह्मण में कठोर उपनिषद हो गया, तैतरीय उपनिषद हो गया। इसी प्रकार सप्तत ब्राह्मण में हो गया अच्छा श्वेतास्त्र उपनिषद और मैत्रेय उपनिषद। सामवेद में छांदोग उपनिषद और इसके बाद अथर्ववेद में गोपद ब्राह्मण था हमारा, उसी प्रकार इसमें मुंडक उपनिषद हो गया। फ्रेंड्स जिस प्रकार से हमारे ब्राह्मण ग्रंथ थे उसी प्रकार से उपनिषद हो गए। तो अब देखते हैं इनमें कौन इंपॉर्टेंट है। इस तो देख लिया पहली बात इंपॉर्टेंट कि 108 उपनिषदों की चर्चा मिलती है, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट कितने हैं, मात्र 13 उपनिषद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब इनमें जो क्वेश्चन बनते हैं उनको देख लेते हैं कैसे बनते हैं क्वेश्चन। बात करें कि कौन कौन से उपनिषद में कौन कौन क्या है, तो पहला उपनिषद आता है छांदोग उपनिषद। इस छांदोग उपनिषद में क्या है, सबसे प्राचीन है क्या, पहली बात इंपॉर्टेंट कि सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा, छांदोग उपनिषद। इसमें तीन प्रकार के आश्रम की चर्चा मिलती है, जो हमने तीनों प्रकार के आश्रम सुने उनकी चर्चा इसमें छांदोग उपनिषद में मिलती है। और इसमें छांदोग उपनिषद में जो आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण उनकी चर्चा भी मिलती है। तो कृष्ण की अगर पहली बार कहीं चर्चा मिलती है तो किस उपनिषद में मिलती है, छांदोग उपनिषद में मिलती है। और इन छांदोग उपनिषद में भगवान श्री कृष्ण को जो घोर अंगिरस ऋषि है उनका शिष्य बताया गया, किसका, घोर अंगिरस ऋषि का। तो कृष्ण की चर्चा किसमें मिलती है, छांदोग उपनिषद में, इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मुंडक उपनिषद। इसका नाम, ये जितने भी उपनिषद आपको बाद में बता रहा हूँ डिटेल में, इनका नाम जरूर क्योंकि इनसे क्वेश्चन बनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बने। तो मुंडक उपनिषद में क्या है, मुंडक उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद था। क्यों छोटा था, क्योंकि इसमें मात्र 12 ही वाक्य थे, और वो 12 वाक्य आप अच्छे से जानते होंगे। 12 वाक्य कौन कौन से थे, सत्यमेव जयते नाम के 12 वाक्य थे। तो आप जानते हैं सत्यमेव जयते जो कि हमारा भारत का क्या है, आदर्श वाक्य भी है सत्यमेव जयते। तो मुंडक उपनिषद में भारत के आदर्श वाक्य की चर्चा मिलती है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बोल रहा हूं जितने भी मिलते हैं। इसके बाद तीसरा नंबर आता है कठ उपनिषद। कठ उपनिषद में क्या है, कठ उपनिषद में यम और नचकेता की कहानी मिलती है, किसकी, यम और नचकेता की कहानी तीसरी कठ मिलती है। जिस प्रकार आपने देखा होगा यम के साथ सावित्री की कहानी मिलती है और नचकेता की कहानी क्या है, थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। यम नचकेता की कहानी क्या है कि नचकेता एक शिष्य होता है, ठीक है, किसी ऋषि का। तो वो क्या करता है, उसके ऋषि जो होते हैं तो उनको आदेश देते हैं जो गुरु जी की, आप जाओ और मेड़ पे जब तक क्या हो कि इस बारिश को रोको, पानी को, पानी इतनी बारिश होती है कि इसको रोकना है। तो वो क्या करते हैं कि सारा रात पूरे दिन उसी मेड़ पे लेटे रहते हैं, क्योंकि अगर पानी अंदर घुस जाता है मेड़ की जगह में तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गुरु का उपदेश था। तो उसी को लेकर आ देते हैं और यम आता उनके तो लेकर के, तो उनमें विद्वत विवाद होता है। तो यही कहानी है कठ उपनिषद में, यम और नचिकेता की कहानी है, तो उसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उपनिषद देखते हैं कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद क्या है। इसके इसमें क्या किया, ये कि जो राजा जनक है उनकी जो गार्गी से उससे संवाद दिखाया गया, ठीक है। तो बृहदारण्यक उपनिषद को याद रखिएगा। तो ये चार इंपॉर्टेंट उपनिषद मैंने निकाले उन 13 में भी, तो आप इनको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि फ्रेंड्स इनसे क्वेश्चन बने एग्जाम में, ठीक है। तो आप मानोगे नहीं कैसे क्वेश्चन बनेंगे, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्वेश्चन बने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि वेदांग कितने प्रकार के होते हैं, वेदांगों के बारे में जान लेते हैं। तो वेदांगों को वेदों का अंग, वेदांग मतलब वेदों का अंग। तो वेदांग 6 प्रकार के वेदांगों की चर्चा मिली है, पहला शिक्षा, दूसरा कल्प, और तीसरा व्याकरण, और चौथा निरुक्त, और पांचवा छंद, और छठवां क्षेत्र। 6 प्रकार की किसकी वेदांगों की चर्चा मिलती है। अब 6 प्रकार के वेदांगों को क्या शिक्षा नासिका कहा गया, वेदों की नाक क्यों कहा गया, इसको वेदों की नाक इसलिए कहा गया क्योंकि अगर आप वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण नहीं करते हैं उसके लिए, तो सही उच्चारण के लिए आपको शिक्षा की जरूरत होनी चाहिए, इसलिए उसको वेदों की नासिका कहा गया। दूसरी बात आती है कल्प, कल्प का मतलब वेदों का हाथ। तो वेदों का हाथ इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि वैदिक कर्मकांडों को व्यवस्थित करने हेतु इसकी रचना की गई, कि आपको अगर वैदिक कर्मकांड करने हैं, यज्ञ करना है, जो भी कुछ करना है, तो आपको हाथों की जरूरत होगी, इसलिए वेदों का हाथ कल्प को कहा गया। इसके बाद आता है व्याकरण, व्याकरण को वेदों का मुख कहा गया, वेदों का मुख इसलिए कहा गया व्याकरण को क्यों कहा गया, क्योंकि वेदों की जो वैज्ञानिक तरीके, जिस तरह से आप देखते थे कि
जो पाणिनि ने अल्पकल्प सूत्र नामक बुक लिखी थी उसके अंतर्गत क्या था कि ज्योतिषशास्त्र की विधि बताई गई थी, उसमें हवन कुंड जैसा किया जाता है, तो इसको ज्यामिति शास्त्र की प्रथम गणित की पुस्तक भी मानी जाती है उसी को, है ना, ज्यामिति की। तो इसमें वेदों का मुख बताया गया, निरुक्त को वेदों का स्रोत या कान बताया गया, छंद को वेदों का पैर बताया गया, ठीक है, और इसके बाद ज्योतिष आता है, ज्योतिष को वेदों के नेत्र बताया गया। तो ये याद रखिएगा कि क्या बताया गया कि बस ये इंपॉर्टेंट है वेदांगों में, ठीक है। तो वेदांग हो गए हमारे, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं आगे आश्रम व्यवस्था की। तो फ्रेंड्स आश्रम व्यवस्था तो वैसे भी हम आप पहले जान चुके हैं कि चार प्रकार के आश्रम होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं आश्रम। तो पहला आश्रम है ब्रह्मचार्य आश्रम, ये कब से कब तक था, तो जन्म से लेकर के जो हम देखते हैं कि 25 वर्ष की आयु तक, कितने जन्म से 25 वर्ष की आयु तक क्या है आश्रम व्यवस्था के, जिसको आश्रम व्यवस्था में पहला जो आश्रम था ब्रह्मचार्य आश्रम व्यवस्था थी, इस पे क्या किया जाता था कि बालक शिक्षा ग्रहण करता था साथ में और उसके जो भी जन्म था उससे रिलेटेड था, ठीक है। इसके बाद दूसरा आश्रम आता था, उस आश्रम को गृहस्थ आश्रम कहते थे। गृहस्थ आश्रम कितने से था, मतलब 25-25 आप लगाते जाओ, 25 से लेकर के कितना, 25 से लेकर के 50 साल तक की उम्र में होता था। इसमें व्यक्ति क्या करता था, धन का अर्जन कर सकता था और अपने गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकता था, ठीक है। ये दूसरी व्यवस्था हो गई आश्रम की। तीसरी व्यवस्था थी वानप्रस्थ, ऐसे 25 से 50 हो गया, 50 की बात कितनी होगी, 50 से कितना आएगा 75 आएगा, क्योंकि 25-25 सालों का अंतराल आप देखते हैं ना, तो 75 हो गया। इसके बाद जो अगला आश्रम आता है उसमें वानप्रस्थ में क्या होता था, जंगल में जाना पड़ता था उसको, बाकी जीवन व्यतीत करना पड़ता था। इसके बाद लास्ट आश्रम आता था क्या कि संन्यास आश्रम, ये 75 से लेकर के 100 वर्ष तक की उम्र तक का होता था। इसका मतलब कि वैदिक कालों में जो एज बताई गई है मानव की, लगभग 100 साल की एज बताई गई है, जिसके आधार पर उन्होंने क्या किया गया है, इन आश्रमों को बांटा गया है और चारों आश्रमों की व्यवस्था बताई गई, ठीक है। ये हमारी आश्रम व्यवस्था हो गई। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, बात करते हैं संस्कारों की। आपने सुना ही होगा 16 संस्कारों के बारे में, ये 16 संस्कार क्या होते हैं, चलिए जान लेते हैं इनके बारे में। तो फ्रेंड्स कुल मिला के 16 संस्कार होते हैं, इनमें से हमने बात की कि 16 संस्कार होते हैं, इन 16 संस्कारों में क्या होता है कि जो तीन संस्कार होते हैं, ये हमने तीनों लिखे हैं, ये संस्कार क्या है, जन्म से पहले के हैं, यानी कि अभी इंसान पैदा नहीं हुआ कि उसके संस्कार चालू हो गए, लेकिन आप फिलहाल अभी मॉडर्न एज में इनको कोई मानता नहीं है फिलहाल, लेकिन सिलेबस का पार्ट है तो इनको देख लेते हैं, फिलहाल क्वेश्चन बनते नहीं इसमें। इसमें होता है गर्भाधान संस्कार, इसमें क्या होता है कि मनुष्य जब गर्भ में होता है कोई, तो उसको मान लेते हैं कि भाई कोई पवित्र आत्मा जन्म लेने वाली है, तो उसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसके बाद होता है पुष्पन संस्कार, क्या होता है, इसमें क्या होता है कि गर्भधारण के 2-3 माह बाद योग पुत्र कामना, जिसे सौवीर कहा गया था ना योग पुत्र को, उसकी कामना की जाती है पुष्पन में। तीसरा होता है सीमंतो संस्कार, इसके अंतर्गत क्या होता है कि 4-5 माह की गर्भ की रक्षा हेतु की कोई मतलब होना हो, इसके लिए कि कोई उन बच्चे को, आने वाले बच्चे को कोई बीमारी ना पड़े, सीमंतो संस्कार किया जाता था, तो उसके तीसरा हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट आता था जातकर्म संस्कार, ये जातकर्म संस्कार क्या होता था, जातकर्म संस्कार होता था, इसमें क्या होता है जन्म के तुरंत बाद किया जाता था, तो उसको जानकर। इसके बाद नामकरण संस्कार होता था, बच्चे का 10 दिन, जन्म के 10 दिन के बाद उसका नाम रखा जाता था, उसको नामकरण संस्कार। इसके बाद निष्क्रमण संस्कार, ये निष्क्रमण संस्कार क्या होता था, घर से पहली बार बच्चे को अगर निकाला जाता था तो उसको क्या किया जाता था, शिशु को जन्म के 2-3 माह बाद घर से अगर निकाला जाता था, अभी फिलहाल तो जब अस्तवान बच्चे हो तुरंत घर से बाहर ही होते हो, तो फिलहाल वो मॉडर्न से इसको जोड़ के मत देखिएगा आप, ठीक है। इसके बाद अन्न प्राशन संस्कार क्या था, अन्न प्राशन संस्कार था जन्म के 6 माह के भीतर, यानी बच्चे को जन्म के 6 माह के भीतर क्या किया जाता था, भोजन कराया जाता था, घर का भोजन खिलाया जाता था उसको, तो पका हुआ तो वही अन्न प्राशन। इसके बाद चूड़ाकर्म संस्कार क्या हो जाता था, चूड़ाकर्म संस्कार मतलब कान में चूड़ाकर्म में क्या, बाल कटवाए जाते थे, चूड़ाकर्म से आप समझ सकते हैं कि बच्चों क्या कहते थे 1-3 साल की उम्र के बीच में उनके बाल कटाए जाते थे। इसके बाद जो नेक्स्ट संस्कार आता था वो कर्ण भेदन, यानी कि बच्चों को कर्ण भेदन यानी कि कान उनके छेदे जाते थे, कर्ण भेदन किया जाता था बच्चों के, और उनमें कानों में क्या क्या कुंडल पहना जाते थे। आजकल कोई अगर कर्ण भेदन कर ले तो उसका कोई मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है। चलिए तो सुलेट नहीं, चलिए अगला बात करते हैं विद्याध्ययन। ये विद्याध्ययन संस्कार 5-8 वर्ष की उम्र में होता था और बच्चों को विद्याध्ययन करने के लिए भेजा जाता था किसी ऋषि के आश्रम में, ठीक है, तो वहां पे विद्याध्ययन किया करते थे। इसके बाद जो नया संस्कार आता था उपनयन संस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। उपनयन संस्कार क्या होते थे, उपनयन संस्कार होते थे कि 8-12 वर्ष की आयु के बीच में उपनयन संस्कार हुआ करते थे। इसमें जो 3 वर्ग के ऊपर के लोग थे, कौन कौन, ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, इनका तो उपनयन संस्कार होता था, लेकिन जो 4th वर्ग था शूद्र वर्ग, उसका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था। अब इनके लिए भी अलग अलग व्यवस्था थी कि अगर ब्राह्मण थे तो वो 8 वर्ष की एज में अपना संस्कार उपनयन संस्कार करते थे, क्षत्रिय 11 वर्ष की उम्र में, और जो वैश्य थे वो 12 वर्ष की उम्र में किया करते थे, लेकिन जो शूद्र था उनका उपनयन संस्कार नहीं किया जाता था, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला बात करते हैं वेदाध्ययन। वेदाध्ययन का मतलब वेदों के अध्ययन का, लेकिन वेदों अध्ययन का संस्कार होता था, सबको संस्कार था, वो चाहे किसी भी वर्ण व्यवस्था का, उसको वेदों का अध्ययन का संस्कार
अधिकार था। ठीक है, इसके बाद आता था किसान संस्कार। किसान मतलब बालों को पुरुषों के क्या कहते थे, दाढ़ी मूछ निकालते थे। तो पुरुषों के लिए खासकर होता था 16 वर्ष की आयु में लगभग होता था कि शांत मतलब केसों का अंत यानी दाढ़ी मूछ जो भी थे उसके रिलेटेड उनके बाल कटवाए जाते थे। ठीक है, इसके बाद जो था अगला था समावर्तन संस्कार यानी शिक्षा प्राप्ति उसके बाद समाप्त हो जाती थी उनकी। और इसके बाद क्या होता था, शिक्षा समाप्त करने के बाद उसका शिक्षा प्राप्ति गुरुदक्षिणा देनी पड़ती थी। इसके बाद जो नया संस्कार आता था उसको विवाह संस्कार कहते थे। ये 15वां नवंबर का संस्कार था, इसमें 25 वर्ष लगभग एज थी, 25 वर्ष की आयु में बच्चों क्या किया जाता था, उसका विवाह किया जाता था। ठीक है, इसके बाद जो नया संस्कार जिसको कोई देख नहीं पाता अंतिम संस्कार होता था। तो इस प्रकार कुल मिला के 16 संस्कार होते थे, इसको मृत्यु के पश्चात हुआ करते थे। ठीक है, इनको याद रखिएगा, 16 संस्कारों की चर्चा मिलती है। ठीक है, इसके बाद आता है जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि मानव ऋण। तो ऋण जो है मानव के तीन प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है कि यदि मानव मरने से पहले इन तीनों प्रकार के ऋणों को क्या चुका के नहीं जाता है तो वो समाज के प्रति क्या होता है, अपना ऋण रह जाता है उसका। तो इनके तीन ये देख लेते हैं कौन कौन से ऋण है तीन प्रकार के। पहला है देव ऋण, देवऋण के, दूसरा है पितृऋण और चौथा है ऋषि ऋण। ये तीन प्रकार के ऋणों की चर्चा की गई है। अगर कोई व्यक्ति इन तीनों ऋणों को चुका पहले मर जाता तो वो उसको वापस से पुनः जन्म लेना पड़ेगा, ऐसी धारणा रखी गई थी। तो लेकिन इसमें याद रखिएगा जो मातृ ऋण है उसको मानव ऋण में शामिल नहीं किया गया। कौन सा, मातृ ऋण को। देखिए देवऋण क्या होता था, अब आपको देवऋण चुकाना तो आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप यज्ञ करो या यज्ञ करवाओ, दो चीज काम करके अगर जाते हो आप तो आप इस ऋण से मुक्ति पा सकते हो देवऋण से। पितृऋण क्या होता था कि जैसे आपके पिता ने आपको पैदा किया उसी के समान आप अपने बच्चों को क्या करें, पैदा करें, तो वही पितृऋण, इस प्रकार से आप मुक्ति पा सकते हैं। ऋषि ऋण क्या होता था कि ऋषि ऋण होता था कि वेदों का आप अध्ययन करें और या उसका अध्यापन करें, तो इस प्रकार से आप इस ऋण से तीनों प्रकार के ऋण की चर्चा मिलती है वैदिक ग्रंथों में। फ्रेंड्स ये था हमारा लेक्चर, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप इस लेक्चर को लाइक शेयर जरूर करिएगा। यदि फ्रेंड्स आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स की अभी क्लासेस शुरू की जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि इकोनॉमी यार कैसे पढ़ें, तो उसी के रिलेटेड यदि आप चाहते हो कि इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू की जाए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इकोनॉमिक क्लासेस चाहिए कि नहीं। तो आई होप आपको वीडियो आपको पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और शेयर करना जरूर